नमस्कार दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 1% के क्लियर आपको यहां पर तेजी नजर आ रही है। तो उसी के साथ आप देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में डोजी कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से देख रहे हैं स्टॉक अभी एग्जैक्ट लेके ऑफ ट्रेंड में कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में अभी तेजी आएगा, गिरावट आएगा तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो ऑयल इंडिया लिमिटेड शेयर जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक काफी समय तक यहां पर एक रेंज बनाकर ट्रेड कर रहा था, देन इसके बाद स्टॉक में शानदार तेजी का मोमेंट भी देखने को मिला। तो यहां पर एक हाई था जिसको 463 रुपए का था, इसको ब्रेकआउट किया स्टॉक ने और हाई लगा 648 का, देन 648 को ब्रेकआउट करके भी स्टॉक क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, टारगेट को डिसाइड करेंगे कि जब स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो हमें टारगेट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ये एक सपोर्ट लेवल रहेगा जो कि 513 या 514 का लेवल रहेगा, उस पर ध्यान रख सकते हो। तो टारगेट की बात करें 740 हमारे सामने पहला टारगेट था जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है, और दूसरा टारगेट आपके सामने यहाँ पर 882 या नेक्स्ट टारगेट 1025, उसके बाद 1113। तो यहाँ पर दोस्तों सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया। तो इस वीडियो को लाइक करें, स्टॉक में बाय सेल या होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाया गया। धन्यवाद दोस्तों।